नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑसम नाइट्रेट्स यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं हमारी सब्सक्राइबर रेखा जी की आपबीती को, जो कि उन्होंने हमें भेजी है जौनपुर उत्तर प्रदेश से। तो अपने कमरे की लाइटें बंद करिए, हेडफोन लगा लीजिए और मेरी हर कही लाइन की कल्पना करते हुए सुनिए रेखा जी की घटना। मेरा नाम रेखा है और मेरी बहन संगीता है। हम दोनों एक छोटे से गांव में रहती हैं, जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश में। हमारे पिता का पिछले साल निधन हो गया था, जिससे हमारे परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। माँ, जो अब अकेली हैं, हमेशा संगीता के विवाह को लेकर चिंतित रहती हैं। माँ का सपना है कि संगीता का विवाह अच्छे घराने में हो, ताकि हमें कुछ आर्थिक और सामाजिक सहायता मिल सके। संगीता एक प्यारी और समझदार लड़की है, लेकिन उसकी शादी को लेकर मां की चिंता दिन दिन बढ़ती जा रही है। हमारा गांव एक सामान्य ग्रामीण इलाका है, जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। यहां की हवा में एक खास तरह की शांति है, लेकिन हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति और मां की चिंता इस शांति को अक्सर अशांत कर देती है। गांव की गलियों में घर के छोटे छोटे काम और खेती बाड़ी से जुड़ी बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमारी स्थिति अलग थी। मां ने संगीता की शादी के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन किसी ने भी हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। मां की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थीं। संगीता के लिए कोई भी सही रिश्ता नहीं मिल रहा था। हर बार जब कोई प्रस्ताव आता, मां उसे निराशाजनक मानती और उसे वापस भेज देती। मां की निराशा हमें भी महसूस हो रही थी और हम दोनों बहनों के लिए यह स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी। मां की चिंता ने हमारे परिवार के वातावरण को भी प्रभावित कर दिया था। मां अक्सर संगीता के भविष्य के बारे में चिंता करती रहती थीं। उनका कहना था कि अगर संगीता का विवाह जल्दी नहीं हुआ तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी और रिश्ते मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। संगीता की शादी की चिंता ने मां को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। वह दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती थी और हमें भी इस चिंता से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन मां ने गांव के एक बुजुर्ग से काले जादू के बारे में सुना। उस बुजुर्ग ने मां को बताया कि कुछ जादुई रीतियों से उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। मां ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और काले जादू के बारे में और जानने का निर्णय लिया। मां ने काले जादू के बारे में जानकारी जुटाई और इस विषय पर कई किताबें पढ़ी। उनके मन में यह विचार घर कर गया कि काले जादू के माध्यम से संगीता का विवाह सही समय पर हो सकता है। मां ने काले जादू करने वाले एक स्थानीय प्रैक्टिशनर से संपर्क किया और इस प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी। मां ने यह निर्णय लिया कि वह संगीता के विवाह को लेकर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए काले जादू की मदद लेंगी, भले ही इससे किसी प्रकार का जोखिम हो सकता है। इस निर्णय ने हमारे परिवार की स्थिति को और भी जटिल बना दिया और हमें नई समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ा। मां ने काले जादू के प्रैक्टिशनर से मिलना तय कर लिया। प्रैक्टिशनर का नाम था राजू बाबा, जो गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली में रहता था। हवेली की स्थिति बहुत ही पुरानी और जर्जर थी और वहां का वातावरण अजीब सा था। राजू बाबा की उम्र 50 के आसपास थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्लो था, जो किसी गहरे रहस्य को दर्शाता था। उसकी दाढ़ी और लंबे बाल उसे एक रहस्यमय व्यक्तित्व प्रदान करते थे। मां ने राजू बाबा से मिलने के लिए एक तारीख तय की। जब मां वहां पहुंची तो बाबा ने उन्हें एक गहरे और निस्तब्ध स्थान पर बैठाया। उसने मां से संगीता की शादी की समस्याओं के बारे में पूछा और फिर काले जादू के उपाय बताने लगा। बाबा ने मां को बताया कि काले जादू एक शक्तिशाली साधना है, लेकिन इसके लिए एक उचित समझ और तैयारी की आवश्यकता होती है। मां ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा की सलाह सुनी और उसने बताया कि इसके लिए कुछ विशेष वस्तुओं और एक अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। राजू बाबा ने मां को अंधेरे के सौदे की शर्तें समझाईं। बाबा ने बताया कि इस प्रक्रिया में कई जटिल अनुष्ठान शामिल हैं और प्रत्येक कदम को सावधानीपूर्वक करना होगा। सौदे की शर्तों में प्रमुख बातें थीं: अनुष्ठान का समय, अनुष्ठान को पूर्णिमा की रात करना होगा, जब चांद की रोशनी अंधेरे को अधिक स्पष्ट बनाएगी। आवश्यक वस्तुएं, कई वस्तुएं जैसे काले मोमबत्तियां,
लाल धागा और विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां आवश्यक थीं। संगीता की भागीदारी। संगीता को अनुष्ठान के दौरान एक विशेष भूमिका निभानी होगी जो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगी। संगीता की भूमिका के बारे में बात करते हुए बाबा ने कहा कि उसे अनुष्ठान के दौरान एक विशेष तंत्र के हिस्से के रूप में शामिल होना होगा। संगीता को डर था कि यह सब उसके लिए सही नहीं है, लेकिन मां ने उसे आश्वस्त किया कि यह उनके परिवार के भविष्य के लिए आवश्यक है। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई। मां ने काले जादू के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाना शुरू कर दिया। पुराने मंदिर से काले मोमबत्तियां लाना, एक विशेष प्रकार की लाल धागे की माला बनाना और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना आवश्यक था। हमारे घर के आंगन को अंधेरे और रहस्यमय माहौल में बदल दिया गया। संगीता की चिंताओं ने भी उग्र रूप लेना शुरू कर दिया। उसे इस पूरी प्रक्रिया से डर लग रहा था और वह बार बार मां से सवाल करती कि क्या यह सब सही है। संगीता की चिंताओं ने मां की स्थिति को और भी कठिन बना दिया। संगीता को डर था कि यह काले जादू का अनुष्ठान उनकी जिंदगी को और भी जटिल बना देगा। मां ने संगीता को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन संगीता की चिंताओं और संदेहों ने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर दिया। अनुष्ठान की तैयारी के दौरान संगीता ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन मां ने उसे समझाया कि यह सब उनके परिवार की भलाई के लिए आवश्यक है। पूर्णिमा की रात का चांद चमक रहा था और आंगन में काले मोमबत्तियों की एक गोलाकार रेखा बनाई गई थी। राजू बाबा ने संगीता को केंद्र में बैठाया और चारों ओर लाल धागे से एक घेरे का निर्माण किया। बाबा ने अनुष्ठान के दौरान मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिनमें काले जादू की शक्ति को आह्वान करने के लिए विशेष मंत्र थे। मां ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुएं तैयार की थीं, विशेष जड़ी बूटियां, काले मोमबत्तियां और एक घड़ी की टिक टिक की आवाज। बाबा ने एक बड़े दीपक को आग में डाला और उसकी धुनी से अनुष्ठान की शुरुआत की। उसने कुछ कठिन मंत्र पढ़े जो हवा में गूंज रहे थे और वातावरण को एक अजीब सा एहसास दे रहे थे। संगीता का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अनुष्ठान के दौरान उसे खुद को असहज महसूस हुआ और उसकी आंखों में भय की चमक थी। वह एक एक मंत्र को सुनते हुए अपने भीतर एक अज्ञात भय का अनुभव कर रही थी। मां ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन संगीता की प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि उसे अनुष्ठान की प्रक्रिया से बहुत असहजता महसूस हो रही थी। अनुष्ठान के बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका घर में घुस आया। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं और अंधेरा छा गया। सभी को एक अजीब सी चीख सुनाई दी जो हवा में खो गई थी। इसके बाद घर में कुछ वस्तुएं अजीब तरीके से अपनी जगह से हिलने लगी। बर्तन अपने आप गिरने लगे और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां उभरने लगी। मां और परिवार के अन्य सदस्य इस अजीब घटनाओं से परेशान हो गए। वे सभी भय और अशांति से भर गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि इन घटनाओं का कारण क्या है। मां ने राजू बाबा से संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि यह सब काले जादू के प्रभावों का संकेत हो सकता है और इसे पूरी तरह से नकारा नहीं किया जा सकता। यह सब घटनाएं एक बुरे साए की उपस्थिति को संकेत कर रही थीं और परिवार के सदस्य इसके प्रभाव को महसूस करने लगे थे। संगीता की स्थिति दिनों दिन बिगड़ने लगी। वह अक्सर रात में डरावने सपने देखने लगी और नींद की कमी से जूझ रही थी। उसके सपनों में अंधेरे साए और विचित्र आकृतियां दिखाई देती थीं, जो उसे रात भर डरा देती थीं। संगीता की नींद की कमी और भयानक सपनों ने उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को और भी खराब कर दिया। संगीता की हालत देखकर मां की चिंताओं ने और भी बढ़ावा पाया। मां ने संगीता की स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय किए, लेकिन कोई भी प्रभावी नहीं हुआ। संगीता की असहजता और चिंता ने पूरे परिवार को प्रभावित किया और मां अब समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस स्थिति से बाहर कैसे निकाले। मां की चिंताओं ने उसे और भी अधिक परेशान कर दिया। उसने महसूस किया कि काले जादू के प्रयोग से प्राप्त परिणाम अपेक्षित नहीं थे और अब उसे संगीता की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी। संगीता की हालत और भी बुरी हो गई थी। रात में वह लगातार डरावने दृष्टांत देखने लगी। एक रात उसने देखा कि वह एक अंधेरी भयानक जंगल में फंसी हुई थी
जहां घने पेड़ और धुंध के बीच से विचित्र आकृतियां उभर रही थी। एक काले और डरावने व्यक्ति की आकृति उसके पास आ रही थी, जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। संगीता की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके अलावा संगीता ने कई बार देखा कि एक काला धब्बा उसके कमरे की दीवार पर उभरता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही धब्बा उसके पास आता, उसे एक ठंडी और भयावह हवा महसूस होती, जो उसकी त्वचा को सिहरन में डाल देती। उसकी यह स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसका मानसिक तनाव भी बढ़ रहा था। संगीता की भयानक दृष्टांतों ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से हिला दिया था। वह दिन रात इन दृष्टांतों के ख्यालों में खोई रहती और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रही थी। परिवार के सदस्य भी उसकी हालत देखकर बहुत चिंतित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि इन दृष्टांतों से कैसे निपटा जाए। संगीता की शारीरिक स्थिति भी तेजी से बिगड़ती जा रही थी। उसने कई बार सिरदर्द, चक्कर आना और अत्यधिक थकावट की शिकायत की। उसकी त्वचा पर अजीब अजीब चकत्ते और खुजली के लक्षण दिखने लगे थे, जो उसकी बीमारी की गंभीरता को दर्शाते थे। मां ने कई चिकित्सकों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति को सही तरीके से समझने में सक्षम नहीं था। चिकित्सकों ने संगीता की विभिन्न जांचें की, लेकिन सभी रिपोर्टें सामान्य थीं। उन्होंने विभिन्न दवाइयां और उपचार दिए, लेकिन संगीता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस स्थिति ने परिवार को और भी अधिक तनाव में डाल दिया। चिकित्सकों की विफलता और संगीता की बढ़ती पीड़ा ने मां और परिवार के अन्य सदस्यों को निराश कर दिया। वे अब समझ नहीं पा रहे थे कि संगीता की समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए और उसकी स्थिति को कैसे सुधारें। संगीता की बिगड़ती स्थिति ने परिवार में तनाव को बढ़ा दिया। मां दिन रात संगीता की देखभाल में व्यस्त रहती और अन्य घर के कामों की ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। परिवार के सदस्य भी संगीता की पीड़ा और उसके बढ़ते संकट को लेकर चिंतित थे। संगीता के अकेलेपन और निराशा ने उसकी मानसिक स्थिति को और भी खराब कर दिया। वह अक्सर कमरे में अकेली बैठी रहती और किसी से भी बातचीत करने में असमर्थ महसूस करती। परिवार के सदस्य उसकी स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन संगीता की मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। इस पूरे संकट ने परिवार के रिश्तों को भी प्रभावित किया। मां और परिवार के अन्य सदस्य तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक दूसरे से अक्सर झगड़ने लगे। संगीता के अकेलेपन और उसकी बिगड़ती स्थिति ने परिवार के भीतर की शांति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सभी सदस्य अब संगीता के दर्द और दुख को समझने में असमर्थ थे और इस अंधेरे संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। संगीता की शादी की तैयारी पूरे धूमधाम से चल रही थी। परिवार ने शादी की हर छोटी बड़ी बात की योजना बनाई थी, संगीत समारोह, सजावट और भोज। मां और परिवार के सदस्य हर काम को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे और सभी की उम्मीदें बहुत अधिक थीं। पूरे गांव में शादी की चर्चा हो रही थी और लोग आशा कर रहे थे कि यह शादी परिवार की कठिनाइयों को दूर करेगी। संगीता की स्थिति के बावजूद मां ने शादी की तैयारियों को पूरी तरह से पूरा करने का निर्णय लिया। संगीता की मानसिक स्थिति बेहद नाजुक थी। उसने शादी की तैयारी में भाग लेना शुरू किया, लेकिन उसकी चिंता और डर साफ नजर आ रहे थे। शादी के कपड़े पहनते समय उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। संगीता की स्थिति को देखते हुए मां ने उसकी सहायता की और उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन संगीता की मन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। विवाह की रात आ गई और घर में एक उत्सव का माहौल था। पूरे आंगन को सजाया गया था और घर में चहल पहल बढ़ गई थी। संगीत, नाच गाना और सजावट ने एक उत्सव का माहौल बना दिया था। रिश्तेदार और दोस्त आ चुके थे और सभी लोग शादी की रात के लिए तैयार थे। हालांकि संगीता की स्थिति भयावह थी। जैसे जैसे विवाह की रात करीब आती गई, उसकी चिंताएं और डर बढ़ते गए। उसने बार बार मां से कहा कि उसे कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन मां ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा कि सब कुछ ठीक होगा। संगीता की आंखों में डर की चमक थी और वह शादी के समारोह से दूर रहना चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपने आप को समारोह से अलग कर लिया और कमरे में अकेले बैठी रही। विवाह की रात के कुछ घंटे बाद संगीता अचानक गायब हो गई।
परिवार ने सोचा कि वह किसी को देखने के लिए बाहर गई होगी, लेकिन जब काफी समय बीत गया और वह वापस नहीं आई तो चिंता बढ़ने लगी। हर किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी निशान नहीं मिला। परिवार ने घर के सभी कोनों की तलाशी ली, पड़ोसी और रिश्तेदारों को सूचित किया और हर संभव कोशिश की, लेकिन संगीता का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के सदस्य डर और चिंता से अभिभूत हो गए थे। मां की स्थिति और भी खराब हो गई और उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता का सामना किया। संगीता की अनुपस्थिति ने पूरे परिवार को एक गहरे संकट में डाल दिया और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि उनकी बेटी को ढूंढ सकें और उसे सुरक्षित वापस ला सकें। विवाह की रात जैसे जैसे समय बीत रहा था, अजीब घटनाएं घटित होने लगी। शादी की सजावट के बीच अचानक अंधेरा छा गया और घर में ठंडी हवा का झोंका आया। मेहमान और परिवार के लोग असमंजस में थे और शादी की खुशी के माहौल में एक विचित्र तात्कालिकता छा गई। संगीता के गायब होने के बाद मां ने चिंता में रात भर खोज जारी रखी। घर के हर कमरे और आंगन की तलाशी ली गई, लेकिन संगीता का कोई भी पता नहीं चला। अचानक घर की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां उभरने लगी और हर तरफ एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। संगीन माहौल में संगीता की अनुपस्थिति को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई। अंधेरे में परिवार ने महसूस किया कि कुछ दुष्ट शक्ति की उपस्थिति हो सकती है। यह शक्ति धीरे धीरे और अधिक प्रकट होने लगी और उसका प्रभाव हर जगह महसूस होने लगा। जैसे ही रात गहराई, संगीता की आत्मा ने अपनी उपस्थिति प्रकट की। दुष्ट शक्ति ने उसे पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था और उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। संगीता के परिवार ने अजीब तरीके से उसकी चीखें सुनी जो हवेली के अंदर गूंज रही थी। संगीता की आत्मा ने दर्द और भय की एक विचित्र स्थिति में परिवार के सामने प्रकट हुई। उसने अपने भयानक अनुभवों का वर्णन किया, जिसमें दुष्ट शक्ति ने उसे अंधेरे जंगल में कैद कर दिया था और उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी थीं। उसकी आत्मा की यह स्थिति परिवार के लिए अत्यंत भयावह थी। दुष्ट शक्ति की उपस्थिति ने परिवार की स्थिति को और भी खराब कर दिया। परिवार के सदस्य पूरी रात संगीता की आत्मा की पुकार सुनते रहे और दुष्ट शक्ति की प्रभावशाली ताकत के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। परिवार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन यह शक्ति बहुत शक्तिशाली लग रही थी। विवाह की रात का अंत बहुत ही भयानक था। संगीता की आत्मा ने पूरी रात के संघर्ष के बाद अंततः दुष्ट शक्ति के प्रभाव से पूरी तरह से दबा दी गई। जैसे ही रात का अंत हुआ, संगीता की आत्मा ने अंतिम बार चीत्कार की और उसके बाद एक डरावनी शांति छा गई। संगीता का शरीर अंततः घर में एक कोने में पड़ा मिला। उसकी अवस्था देखकर परिवार को यह समझ में आया कि उसकी आत्मा को दुष्ट शक्ति ने पूरी तरह से अपना शिकार बना लिया था। परिवार के सदस्य पूरी रात की घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पूरी कोशिशें असफल रही थीं। परिवार की स्थिति अत्यंत दुखद थी। संगीता की मौत और दुष्ट शक्ति के प्रभाव ने पूरे परिवार को एक गहरे संकट में डाल दिया। परिवार के सदस्यों ने अपने प्रियजन को खोने के दुख के साथ साथ अंधेरे शक्ति की उपस्थिति से भी जूझना पड़ा। इस भयानक रात ने परिवार की पूरी दुनिया को पलटा और उन्हें एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया। संगीता की आत्मा को मुक्त करने के प्रयास लगातार जारी थे। परिवार ने कई पंडितों और तंत्र मंत्र विद्वानों से संपर्क किया, जिन्होंने विभिन्न विधियों का प्रयोग किया। पहला प्रयास एक विशेष अनुष्ठान था, जिसमें गहरी पूजा और मंत्रों का उच्चारण किया गया, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद संगीता की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। संगीन स्थिति को देखते हुए परिवार ने आधुनिक विज्ञान के साथ साथ पारंपरिक तंत्र की तुलना की। एक अनुभवी मनोचिकित्सक और एक वैकल्पिक चिकित्सक ने भी अपनी सलाह दी। मनोचिकित्सक ने संगीता के मानसिक स्वास्थ्य को समझने की कोशिश की और उसे ध्यान और चिकित्सा के माध्यम से इलाज करने की बात की, जबकि तंत्र विद्वान ने जादू के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी विधियां अपनाई। दोनों दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष गहरा होता गया। वैज्ञानिक उपाय अंधेरे शक्ति के प्रभाव को कम करने में विफल रहे और पारंपरिक तंत्र की विधियां भी असफल साबित हुईं। परिवार को दोनों विधियों के सीमित प्रभाव का सामना करना पड़ा और अंततः वे एक ठोस समाधान की खोज में असफल रहे।
संगीता की आत्मा की मुक्ति की कोशिशों की विफलता ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। घर में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी और हर कोई अंधेरे के प्रभाव को महसूस कर रहा था। परिवार के सदस्य खुद को असहाय महसूस करने लगे और उनका जीवन एक निरंतर संघर्ष बन गया। मां की स्थिति और भी खराब हो गई। उसने अपनी बेटी को खोने के गहरे दुख के साथ साथ अंधेरे शक्ति के प्रभाव का सामना किया। हर दिन उसकी निराशा और मानसिक स्थिति का और भी बिगड़ना होता गया। मां ने अपने जीवन की सारी खुशियां खो दी थी और वह अब अंधेरे से मुक्ति पाने की कोई उम्मीद नहीं देख पा रही थी। परिवार के भीतर तनाव और अराजकता बढ़ गई। रिश्तों में दूरी और झगड़े आम हो गए थे। सब कुछ अंधेरे के चंगुल में था और परिवार की जिंदगी एक कठिन परीक्षा बन गई थी। परिवार की संकटपूर्ण स्थिति और निराशा के बावजूद कुछ संकेत थे जो भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे। मां और परिवार के सदस्य ने भविष्य की संभावना को देखने की कोशिश की। कुछ पुरानी कथाएं और स्थानीय मान्यताएं भी थीं जो कहती थीं कि अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने का एक तरीका है, लेकिन यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है। काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने की संभावना अब भी थी, लेकिन इसके लिए एक ठोस और स्थायी समाधान की जरूरत थी। परिवार ने कई उपायों पर विचार किया, जिसमें तंत्र मंत्र, आध्यात्मिक साधना और विज्ञान के मिश्रित प्रयास शामिल थे। परिवार ने अंततः यह समझा कि अंधेरे की समाप्ति के लिए सामूहिक प्रयास और आस्था की आवश्यकता होगी। उन्होंने भविष्य की ओर आशा के साथ देखा, लेकिन यह स्पष्ट था कि अंधेरे से उभरने के लिए एक ठोस और पूरी तरह से समर्पित प्रयास की आवश्यकता होगी। इस समय परिवार ने एक नई दिशा में आगे बढ़ने और अपने भविष्य को पुनर्निर्मित करने की कोशिश की। संगीता की मौत और काले जादू के प्रभाव ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया था। परिवार के सदस्य अब आपस में झगड़ने लगे थे और हर दिन एक नई समस्या उत्पन्न होती थी। रिश्तों में बढ़ती नफरत और गहरा दुख हर किसी की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा था। मां का पछतावा और आत्मग्लानी इस टूटन को और भी बढ़ा रही थी। मां ने महसूस किया कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जो निर्णय लिया था वह गलत था। उसने सोचा कि अगर उसने काले जादू का सहारा न लिया होता तो संगीता की आत्मा आज भी जीवित होती। इस आत्मग्लानी ने उसे मानसिक रूप से कमजोर बना दिया और वह खुद को दोषी मानने लगी। परिवार के अन्य सदस्य भी इसी आत्मग्लानी और दुख में घिरे हुए थे। परिवार की टूटन ने उन्हें एक गहरे संकट में डाल दिया। हर कोई अपनी स्थिति और हालात के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगा। इस स्थिति ने परिवार को एक अंधेरे कुएं में डाल दिया, जहां से निकलना अब असंभव सा लग रहा था। परिवार की स्थिति की खबर पूरे गांव में फैल गई और समाज की प्रतिक्रिया बेहद नकारात्मक थी। लोग अंधेरे शक्ति और काले जादू की बातें करने लगे और परिवार को समाज से दूर करने की कोशिश की। समाज ने परिवार को नफरत की नजर से देखा और उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। परिवार को सामाजिक समर्थन और सहानुभूति की कमी महसूस हो रही थी। लोग परिवार की समस्याओं को देखकर उन्हें और अधिक तिरस्कार की नजर से देखने लगे। इस अलगाव और भेदभाव ने परिवार की मानसिक स्थिति को और भी खराब कर दिया। अलगाव और भेदभाव की स्थिति ने परिवार को और भी अधिक असुरक्षित और निराश बना दिया। समाज ने उनकी समस्याओं को नकारते हुए उन्हें केवल कलंकित और अलग थलग किया। रेखा, संगीता की बहन, इस संकट के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उसने परिवार की स्थिति को संभालने की कोशिश की और सभी समस्याओं के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। रेखा की स्थिति भी बहुत कठिन थी। उसने अपने परिवार के दुख और समस्याओं का सामना किया और उनके लिए मानसिक समर्थन प्रदान करने की कोशिश की। रेखा ने खुद भी अपने भीतर की चिंता और भय को छिपाए रखा और परिवार की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। आत्मा की शांति की खोज में रेखा ने कई प्रयास किए। उसने पुरानी विधियों, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक साधना की कोशिश की ताकि संगीता की आत्मा को शांति मिल सके। भविष्य की दिशा को लेकर रेखा ने परिवार को आश्वस्त करने और उन्हें एक नई शुरुआत देने की कोशिश की। रेखा की इन कोशिशों ने परिवार को कुछ हद तक सहारा दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान अब भी दूर था। उसने अपने बलिदान और संघर्ष के बावजूद एक बेहतर भविष्य की दिशा में उम्मीद बनाए रखी।
परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्होंने भविष्य के लिए तैयारियां शुरू की। घर में अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न उपायों की योजना बनाई। परिवार ने निर्णय लिया कि उन्हें अंधेरे के रहस्यों की गहरी जांच करनी होगी ताकि उनकी समस्याओं का सही समाधान मिल सके। मां ने सोचा कि अंधेरे की उत्पत्ति और उसकी शक्ति को समझने के लिए पुरानी किताबें और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी होगा। उन्होंने तंत्र मंत्र विशेषज्ञों से परामर्श किया और अंधेरे के इतिहास और उसके प्रभाव पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में परिवार ने अंधेरे के रहस्य को उजागर करने और उसके खिलाफ एक ठोस योजना तैयार करने का प्रयास किया। भविष्य की दिशा को स्पष्ट करने के लिए परिवार ने आत्मा की शांति और अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। यह योजना धार्मिक अनुष्ठानों, आध्यात्मिक साधना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करने वाली थी। अंधेरे का सामना करने की प्रक्रिया कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। परिवार ने तय किया कि वे अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। उन्होंने कई तंत्र मंत्र अनुष्ठान और धार्मिक विधियां अपनाई, लेकिन अंधेरे की ताकत लगातार बनी रही। इस दौरान अंधेरे के विभिन्न पहलुओं का सामना करना पड़ा, जैसे घर में लगातार अजीब घटनाएं, भयानक दृष्टांत और परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति का और बिगड़ना। इन चुनौतियों के बावजूद परिवार ने समाधान की खोज जारी रखी। उन्होंने एक स्थानीय तंत्र मंत्र गुरु को बुलाया और उनकी सलाह ली, जो अंधेरे की शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करने का दावा कर रहे थे। समाधान की खोज में परिवार ने कई प्रयास किए और हर संभव उपाय अपनाया, लेकिन अंधेरे की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि समाधान प्राप्त करना बेहद मुश्किल साबित हुआ। परिवार ने अनुभव किया कि अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक गहन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। परिवार के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और संघर्ष के बावजूद परिवार ने एक नई शुरुआत की योजना बनाई। उन्होंने अपने टूटे हुए रिश्तों को पुनः स्थापित करने की कोशिश की और घर को साफ करने के लिए धार्मिक और तांत्रिक विधियों का प्रयोग किया। भविष्य की दिशा को लेकर परिवार ने एक नई आशा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे समझ गए थे कि अंधेरे की छाया अब भी उनके साथ है, लेकिन उन्होंने अपनी समस्याओं का सामना करने और एक नए जीवन की शुरुआत करने की ठानी। अंधेरे की छाया और उसकी लगातार उपस्थिति ने परिवार के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। हालांकि परिवार ने अपने भीतर की ताकत और एकता को बनाए रखते हुए अंधेरे से उबरने की कोशिश की। इस प्रयास ने उन्हें एक नई दिशा दी और उनके भविष्य को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की उम्मीद दी। काले जादू के अंतर्गत छिपे अंतिम रहस्यों का खुलासा धीरे धीरे होने लगा। परिवार ने गहराई से शोध करने के बाद पाया कि काले जादू की शक्ति सिर्फ एक साधारण तंत्र मंत्र नहीं थी, बल्कि इसमें एक दुष्ट शक्ति और उसकी योजनाओं का गहरा संबंध था। प्रैक्टिशनर के रहस्य सामने आए। वह एक व्यक्ति था जिसने काले जादू के माध्यम से अपनी खुद की ताकत और प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके पास एक प्राचीन और शक्तिशाली ग्रंथ था जिसमें काले जादू के सबसे गहरे रहस्यों को संजोया गया था। यह भी पता चला कि उसने संगीता के आत्मा को बंधन में रखने के लिए एक जादुई जाल बिछाया था, जिसका उद्देश्य था उसकी शक्ति को बढ़ाना और अपने निजी लाभ के लिए उसे इस्तेमाल करना। इस खुलासे ने परिवार को एक नई दिशा दी। उन्होंने अब समझा कि अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रैक्टिशनर की योजनाओं को बेनकाब करना और उसका सामना करना होगा। मां ने संगीता की आत्मा की मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास किए। उसने कई तांत्रिक उपाय अपनाए और अंधेरे से मुक्ति पाने के लिए हर संभव कोशिश की। इसके लिए उसने तंत्र मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान और विज्ञान का समन्वय किया। मां ने अपने परिवार से सहयोग की भी अपील की। परिवार के सदस्य अब एकजुट हो गए थे और उन्होंने मां के प्रयासों में पूरी मदद की। सब मिलकर उन्होंने एक बड़ा अनुष्ठान किया, जिसमें सभी ने मिलकर अपनी आस्थाओं और विश्वासों को एकत्रित किया। पारिवारिक सहयोग और समर्थन ने मां की मुक्ति की कोशिशों को एक नई दिशा दी। हालांकि यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, लेकिन परिवार की एकजुटता और संघर्ष ने उनकी उम्मीद को बनाए रखा। अध्याय का अंत विवादित और भयावह था।
अंतिम प्रयास के बावजूद अंधेरे की पूरी तरह से समाप्ति नहीं हो पाई। परिवार ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन काले जादू के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल साबित हुआ। भविष्य की अनिश्चितता बनी रही। परिवार को यह समझ में आ गया कि अंधेरे के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक निरंतर प्रयास और शक्ति की आवश्यकता होगी। भविष्य में क्या होगा, यह अभी भी अस्पष्ट था। अंधेरे की छाया अब भी उनके जीवन पर मंडरा रही थी और उन्होंने एक नई दिशा और मार्गदर्शन की खोज जारी रखी। अंधेरे का अंत पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन परिवार ने अपने संघर्ष और प्रयासों के माध्यम से एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाए। उनका जीवन अब भी अंधेरे की छाया से प्रभावित था, लेकिन उन्होंने आशा और संघर्ष के साथ अपने भविष्य की दिशा निर्धारित की। कहानी की शुरुआत एक साधारण गांव की पारिवारिक चिंता से हुई, जहां संगीता की शादी के लिए काले जादू का सहारा लिया गया। यह निर्णय परिवार की गहरी निराशा और सामाजिक दबाव से प्रेरित था। काले जादू का उपयोग प्रारंभ में संगीता के लिए एक बेहतर जीवन की उम्मीद के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही यह एक भयानक और विनाशकारी बल में बदल गया। संगीता की आत्मा की शांति की खोज ने परिवार को अनगिनत समस्याओं और संकटों का सामना कराया। अनुष्ठान की प्रक्रिया, दुष्ट ताकतों की उपस्थिति और संगीता की पीड़ा ने परिवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ डाला। परिवार ने कई प्रयास किए, लेकिन अंधेरे की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने में असफल रहे। संगीता की आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास कभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने एक नई दिशा की ओर इशारा किया। परिवार ने अंधेरे के प्रभाव से लड़ते हुए एक नई शुरुआत की और संगीता की याद में और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने का निर्णय लिया। परिवार की स्थिति ने दर्शाया कि अंधेरे के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष और प्रयास की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अंधेरे से उभरने की कोशिश की और अपने टूटे हुए रिश्तों को पुनः स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। भविष्य की दिशा और संभावनाओं को देखते हुए परिवार ने अंधेरे की छाया से उभरने और एक नई शुरुआत की दिशा में प्रयास किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में अंधेरे और कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और एकता की आवश्यकता होती है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव गहरा था। इसने दर्शाया कि काले जादू और अंधेरे बलों के प्रभाव को समझना और उनसे निपटना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परिवार के संघर्ष और साहस ने यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा और संघर्ष बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कहानी ने यह भी स्पष्ट किया कि अंधेरे की छाया और उसकी शक्ति केवल एक बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि यह आंतरिक और मानसिक संघर्षों को भी जन्म देती है। परिवार ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना और उससे सीखना आवश्यक है। भविष्य में परिवार ने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक नई दिशा और आशा की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अंधेरे के प्रभाव से उबरने और अपने जीवन को पुनः स्थापित करने की ठानी। इस प्रकार कहानी ने जीवन के संघर्षों, आशा और नई शुरुआत के महत्व को उजागर किया। रोहन स्टेशन से बाहर निकला। गाड़ी रात के 12 बजे स्टेशन पहुंची थी। वो स्टेशन पर उतरने वाला अकेला यात्री था। नानोता नाम के इस छोटे से स्टेशन पर इतनी रात को आखिर कौन उतरता? यहाँ से सबसे नजदीकी गांव 3 किलोमीटर दूर था और रोहन को बड़गांव जाना था, जो कि वहां से 5 किलोमीटर दूर था। रोहन को लेने गांव से चाचा जी आने वाले थे और उसने वहां पर 20 मिनट इंतजार किया, पर जब कोई नहीं आया तो उसने पैदल ही जाने का निश्चय करा। रोहन जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। सर्दियों की रात थी और चारों ओर घना कोहरा था। दो हाथ की दूरी का भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन के पास एक ही बैग था। सुबह ही उसे दादाजी की मृत्यु का समाचार मिला तो वो फौरन गांव के लिए चल पड़ा और थोड़ी दूर चलकर ही उसकी सांसें फूल गई। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई तो वो रुक गया। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं, उसने मन में सोचा और चौकन्ना हो गया। उसने अपनी कोट की जेब पर हाथ लगाया और रिवॉल्वर को स्पर्श करके उसे थोड़ी हिम्मत मिली।
वो जानता था स्टेशन से घर का रास्ता जंगल से जाता है, इसीलिए उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने साथ रख ली थी। वो कुछ देर रुका और चारों तरफ शांति फैली रही, केवल हवा चलने की आवाज कानों में गूंज रही थी और उसने अपना मफलर ठीक करा और बैग उठाकर वापस चलने लगा। उसने अब दोबारा महसूस करा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। चलते चलते वो रुक गया और अंधेरे में निगाहें जमा कर इधर उधर देखने लगा, पर कोहरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो फिर से चल पड़ा। कुछ देर में उसे फिर से वही लगा कि कोई तो है जो उसके आसपास है। रोहन बिना रुके चलता रहा। दो मिनट बाद वो एकदम पलटा तो कोई झाड़ियों में घुस गया। रोहन कोहरे की वजह से ठीक से देख तो नहीं पाया कौन है, पर उसे ये यकीन हो गया कि कोई तो उसके पीछे है। रोहन ने कुछ कदम पीछे करे और वो बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। झाड़ियों में कोई हलचल नहीं हुई। रोहन ने अपनी बात दोहराई, कोई जवाब नहीं मिला। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं गोली चला दूंगा। रोहन ने रिवॉल्वर हाथ में ले ली थी। अब भी कोई सामने नहीं आया। रोहन ने कुछ सेकंड्स इंतजार किया और फिर बिना गोली चलाए आगे चल दिया। जब कुछ दिख नहीं रहा था तो गोली किस पर चलाता। अब वो काफी दूर चल दिया था, पर अब कोई आवाज नहीं थी। शायद उसकी धमकी काम कर गई थी और पीछा करने वाले ने अपना इरादा बदल लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराया। तभी एक बूढ़ा अचानक उसके सामने आया और रोहन का दिल जोर से धड़का और वो एक कदम पीछे हट गया। उसने सफेद धोती कुर्ता पहना था और आधा सर गंजा और पीछे सफेद सफेद बाल, चेहरे पर ग्रामीणों सी सहज मुस्कान। सुनसान रास्ते पर एकाएक उसे देखकर रोहन डर गया। साहब कहाँ जाना है, बूढ़े ने पूछा। ओ बड़गांव, राहुल ने कहा और फिर बूढ़े से पूछा, और आपको कहाँ जाना है, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं आप। राहुल ने एक साथ कई सवाल करे। मेरा तो गांव पास में ही है, बेटी से मिलने उसके गांव गया था, वापसी में कोई सवारी नहीं मिली तो पैदल ही चल दिया। बेटा तुमको इतनी रात को इस जंगल से पैदल नहीं जाना चाहिए। क्यों? बेटे इस जंगल में पिशाचों का राज है और वो इंसानी गंध दूर से ही सूंघ लेते हैं। इंसानी खून पीना उन्हें बहुत पसंद है और रात को इस इलाके में घूमना अपनी मौत को दावत देना है, बूढ़ा कुछ रहस्यमय अंदाज में बोला। रोहन बुरी तरह कांप गया। उसने भी बचपन में पिताजी से इस इलाके में पिशाच की बातें बहुत सुनी थी और उन कई सारे किस्से भी सुने थे, पर अब वो उन्हें भूल चुका था, वरना वो रात में यहां आने का रिस्क कभी नहीं लेता। सहसा उसे वो सारे किस्से याद आ गए जो उसके पिताजी ने उसे सुनाए थे। एक बहुत लंबा पिशाच होता है जो रूप बदलने में माहिर होता है। कई बार वो अपने शिकार के रिश्तेदार का रूप बनाकर उसे जंगल ले जाकर उसका खून पी लेता है, उसकी खोपड़ी की माला पहनता है और आंखें निकालकर अपने माथे पर लगाता है तिलक की तरह। पिताजी की सुनाई ये बातें याद करके रोहन का हलक सूख गया। कहां खो गए साहब, बूढ़े की आवाज से रोहन का ध्यान भंग हुआ। उसने एक बार फिर बूढ़े को घूर कर देखा। नहीं नहीं, ये पिशाच नहीं हो सकता, पिशाच तो बहुत भयानक होते हैं, रोहन ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। थोड़ा आगे बढ़े तो बूढ़ा बोला, साहब यहां से दाई ओर एक रास्ता जाता है, ये रास्ता छोटा है, जल्दी पहुंच जाएंगे। रोहन हिचकिचाया। वो कुछ कहता उससे पहले ही बूढ़ा उधर मुड़ गया और रोहन को अकेले जाने से बूढ़े के साथ जाना ठीक लगा। तभी उन्हें कुछ दूरी पर कोई साया दिखाई दिया और रोहन एकदम रुक गया। बूढ़े को भी चुपचाप रहने का इशारा किया उसने और बूढ़ा रोहन के कान में फुसफुसाया, साहब सावधान, इस जंगल में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। रोहन ने जेब में हाथ डाला और पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया और वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। पास पहुंचे तो देखा वो कोई 30-32 साल की स्त्री थी। वो इन दोनों को देखकर डर गई और सहम कर पीछे हटने लगी। घबराओ नहीं,
उसके चेहरे पर डर की लकीरें देखकर राहुल ने बोला, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़े ने सख्त आवाज में पूछा। पास वाले गांव में मेरी बहन रहती है, उसके घर जा रही थी। जिस बस से आ रही थी वो रास्ते में खराब हो गई, इसलिए अंधेरा हो गया और रास्ता भटक गई, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे रात बीतने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ चलो, हम आपको छोड़ देंगे, रोहन ने कहा। साहब, यहाँ पर किसी की बात का विश्वास करना ठीक नहीं, बूढ़े ने कहा। तभी पास ही कहीं कुत्ता रोने लगा और वो औरत और घबरा गई और बोली, आप लोग भले आदमी लगते हो, मुझे साथ ले चलो, मैं अकेले कैसे जाऊंगी। रोहन ने कुछ सोचा और कहा, आप जाइए। थोड़ी देर चलने के बाद बूढ़ा बोला, एक कहानी सुनाता हूँ साहब, रास्ता आसानी से कट जाएगा। रोहन ने हाँ में सर हिलाया। बूढ़े ने कहानी सुनानी शुरू करी। एक बार मेरा एक मित्र रात को इसी जंगल से आ रहा था, उसे आधे रास्ते में अपने गांव की एक स्त्री भटकती हुई मिली। उसके गांव जाने के लिए उसे उसने साथ ले लिया और थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्त्री एक भयानक पिशाच में बदल गई और उस पिशाच का रंग एकदम लाल था। कद लगभग 25 से 30 फुट रहा होगा और आंखें एकदम बड़ी बड़ी। उसके दांत बड़े बड़े और नुकीले थे और उसके लाल चेहरे पर उसके काले दांत बड़े भयानक लग रहे थे। गले में खोपड़ियों की माला थी और उसके इस भयानक रूप को देखकर उसने भागना शुरू कर दिया, पर उस पिशाच ने अपने हाथ लंबे करने शुरू कर दिए और वो बहुत तेज भागा, पर पिशाच के लंबे हाथों ने उसे पकड़ ही लिया। और तभी उनके साथ की झाड़ियों में तेज हलचल हुई। तभी तेजी से कुछ भागता हुआ उनकी ओर आया और रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की कुछ बूंदे साफ दिखाई दे रही थी और औरत घबरा कर रोहन के पीछे छुप गई। वो एक भेड़िया था और वो उनसे 4 या 5 फीट दूर रुक गया। फिर उसने भयानक आवाज में रोना शुरू कर दिया और तेजी से वापस लौट गया। रोहन की सांसें काफी तेज चल रही थी और उससे भी तेज चल रहे थे उसके विचार, क्या यह बूढ़ा सही कह रहा है, क्या यह औरत पिशाच है। राहुल ने पलटकर औरत को ध्यान से देखा। नहीं नहीं, ये तो शरीफ घर की लगती है, पर बूढ़ा कह रहा था कि यहाँ पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, अगर ऐसा ही है तो ये बूढ़ा भी तो पिशाच हो सकता है, रोहन ने सोचा। क्या करूं, वो भी ये सोच ही रहा था कि सामने से एक कार की लाइट आती दिखाई दी और पास आकर वो गाड़ी रुक गई तो उसमें से राहुल के चाचा जी निकले। माफ करना बेटा, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए समय से स्टेशन नहीं पहुंच पाया, आओ जल्दी गाड़ी में बैठो, चाचा जी बोले। इन्हें भी उधर ही जाना है, इन्हें साथ ले लेते हैं, रोहन ने चाचा जी के पैर छूते हुए बोला। पर मैंने इन्हें कभी अपने इलाके में नहीं देखा, रात को जंगल में किसी अनजान पर विश्वास करना ठीक नहीं, रोहन के कान में ये शब्द हथौड़े की तरह बजे। किस पर विश्वास करूं, पिशाच तो कोई भी हो सकता है, पिशाच किसी का भी रूप धर कर आ सकता है, क्या इनमें से कोई पिशाच है, राहुल सोचने लगा। ये बूढ़ा, औरत या फिर चाचा जी या फिर तीनों। बस करो, बच्चों को कभी कोई अच्छी कहानी सुनाया करो, लोग बच्चों को वीर महापुरुषों की कहानी सुनाते हैं और एक ये हैं, बच्चों को भूत पिशाच की कथा सुना रहे हैं। बच्चे को जैसी कहानी सुनाओगे उस पर वैसा ही अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्रीमती जी ने कमरे में आते ही टॉन्ट मारा, दादी कहानी अब तो क्लाइमेक्स पर पहुंची है, अपने दादाजी को रोक दिया, दादाजी बताओ ना उनमें पिशाच कौन था, सनी ने कोथुर से पूछा। रात के 12 बज गए हैं, अब कोई भूत पिशाच की बात नहीं करेगा, सनी जाओ और सो जाओ, बाकी कहानी सुबह सुनना, श्रीमती जी ने अपना आदेश सुनाया। और सनी ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटा बाकी कहानी सुबह सुनाऊंगा, श्रीमती जी का विरोध करने का साहस मुझ में भी नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही सनी मेरे कमरे में आया और मेरे गले में बाहें डालकर बोला, दादाजी सुनाइए ना उन तीनों में पिशाच कौन था। मैं हंसा और मैंने सनी से कहा,
तुझे पता है रोहन कौन था? नहीं दादाजी, क्या मैं रोहन को जानता हूँ? बेटा, इस कहानी में रोहन मैं हूँ, और ये घटना 30 साल पहले मेरे साथ ही घटी थी। सनी की आंखें हैरानी से फैल गई। दादाजी आप, ये सब आपके साथ हुआ था? हाँ बेटा। उन तीनों में पिताज कौन था? मुझे सारी रात नींद नहीं आई, जल्दी से सस्पेंस खोलिए। बेटा, अगर उन तीनों में कोई पिशाच होता तो तेरे दादाजी तुझे कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होते, मैंने हंसते हुए कहा। अच्छा हुआ उनमें से कोई पिशाच नहीं था, सन्नी ने मेरे गले लगते हुए कहा। क्या सच में उस जंगल में कोई पिशाच था? उसने अगला सवाल करा। ये भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होते बेटा, ये सब हमारे मन में बैठे हुए डर हैं, जो मनगढ़ंत किस्से सुनने की वजह से हमारे मन में बैठ जाते हैं। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उत्तर दिया। मैंने कल रात फैसला कर लिया था कि अब सनी को भूत पिशाच की कहानियां कभी नहीं सुनाऊंगा। आज से मैं सिर्फ उसे अपने देश के महापुरुषों की कहानियां सुनाऊंगा, जिससे वो अपने देश के बारे में जान सके। और इसी कारण मैंने कहानी को एक सुखद मोड़ दे दिया, वरना असल सच्चाई तो मैं ही जानता हूं। कभी कभी बीवी की बात से सहमत होने में कोई बुराई नहीं होती। श्रीमती जी की बात से प्रेरणा लेकर मैंने सनी के लिए सभी भूत प्रेतों और पिशाचों का अंत कर दिया था। वैसे आपकी राय क्या है, उन तीनों में से पिशाच कौन था? अपना उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।